प्रदेश के नंबर वन बुलेटिन टॉप नाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आर्मेनिया और अजरबैजान के 10वें दिन भीषण जंग जारी है। दोनों के बीच में युद्ध में कौन किस पर भारी है, किसकी एंट्री से युद्ध का मैदान बदल गया है, जंग से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप नाइन महायुद्ध के 10 दिन में। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर 10वें दिन भी जबरदस्त धावा बोला। आर्मेनिया ने इस घातक अटैक से अजरबैजान के टैंक को पल भर में धुआं धुआं कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे अजरबैजान का टैंक आर्मेनिया के हमले में खिलौने की तरह उड़ गया। 10 दिन के इस युद्ध में भीषण तबाही हुई है। इस जंग में अब तक अजरबैजान की सेना के करीब 4500 जवानों की मौत हुई है। आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी करीब 2000 है। तो अजरबैजान के 204 ड्रोन और 26 हेलीकॉप्टर भी इस युद्ध में अब तक बर्बाद हुए हैं। आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक आर्मेनिया के करीब 5300 सैनिकों की मौत इस युद्ध में हुई है। आर्मेनिया के 407 टैंक और 398 आर्टिलरी अब तक बर्बाद हो चुकी हैं। तो वहीं 70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तहस नहस हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामान और गोला बारूद की तस्वीरें जारी की हैं। अजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामानों को नष्ट किए जाने की तस्वीरें जारी की हैं। जबराइल इलाके में आर्मेनियाई सैनिकों से सैन्य सामान लूटा गया था। अजरबैजान आर्मेनिया जंग का नया वीडियो सामने आया है। आर्मेनिया के स्पेटन कोर्ट में अजरबैजान ने भीषण बमबारी की है। तस्वीरों से साफ है कि अजरबैजान रिहायशी इलाके को निशाना बना रहा है। अजरबैजान की सेना ने कई रिहायशी घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। आर्मेनियाई सेना ने अर्थसक में अजरबैजानी सेना के यूनिट्स और तोपखानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद यूनिट में मौजूद 200 अजरबैजानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। अजरबैजान ने कल अर्थसक में रॉकेट से हमला किया था, जिसका आज आर्मेनियाई सेना ने करारा जवाब दिया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 3 और गांवों पर कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान का कहना है कि उसकी सेना आगे बढ़ रही है और आर्मेनिया से कई पोस्ट खाली कराए गए हैं। तो अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख में जबरदस्त स्ट्राइक का दावा किया और कहा कि आर्मेनियाई सेना को पीछे ढकेल दिया गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान करते हुए अजरबैजान के खिलाफ 200 हैवी आर्मर टैंक युद्ध में उतार दिए हैं। ईरान के इस फैसले से अन्य खाड़ी देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अजरबैजान के गेंजा में हुए मिसाइल हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आर्मेनिया ने रूस के इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से गेंजा पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे और शहर की कई इमारतें खंडहर बन गई थी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग के लिए रूस का नया रोल क्या है? अजरबैजान को फ्रांस की लास्ट वार्निंग क्यों? टर्की कैसे दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बना? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड वॉर 3। अजरबैजान ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए और जीत होने तक जंग जारी रखने की हुंकार भरी। अजरबैजान का कहना है कि अपना एक एक इलाका खाली कराएंगे और पूरे नारगोनो काराबाख को अपना इलाका बताया। अजरबैजान ने अग्रेसिव होते हुए कहा कि आर्मेनिया को हर हाल में पीछे हटना होगा। भीषण बर्बादी पर आर्मेनियाई पीएम ने चेतावनी जारी की है। आर्मेनिया का कहना है कि तुर्की अजरबैजान से पूरी दुनिया को खतरा है और ये जंग ग्लोबल सुरक्षा का मुद्दा है। आर्मेनिया जंग में भेजे गए तुर्की के आतंकवादियों से लड़ रहा है। बड़ी संख्या में तुर्की के आतंकी इस युद्ध में शामिल हैं। रूस फ्रांस की वार्निंग का तुर्की पर कोई असर नहीं हुआ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने काराबाख की लड़ाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एर्दोगान ने कहा कि जीत हासिल होने तक अजरबैजान का साथ देंगे और उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध पर रूस मध्यस्थता के लिए तैयार है। रूस ने विदेश मंत्रियों की बातचीत कराने की पेशकश की है, तो जंग नहीं रुकने पर रूस ने मैदान में उतरने के भी संकेत दिए हैं। फ्रांस ने भी तुर्की को लास्ट वार्निंग देते हुए युद्ध से दूर रहने को कहा है। विस्फोटक हो रही जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूएन ने दोनों देशों से तुरंत हमले को रोकने की अपील की है। यूएन का कहना है कि नारगोनो काराबाख का विवाद जंग से नहीं सुलझेगा। यूएन ने जंग में मारे जा रहे मासूम लोगों की मौत पर दुख जताया है। अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर सीरियाई युवाओं ने बड़ा खुलासा किया है। सीरियाई युवाओं को जंग में गुमराह करके झोंका जा रहा है, तो आर्थिक तंगी की वजह से युवा भी जंग में शामिल हो रहे हैं। इस युद्ध में अजरबैजान की तरफ से 4000 सीरियाई लड़ाके शामिल हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध से हो रही भारी नुकसान को देखते हुए इसराइल अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। अमेरिकी दबाव में इसराइल जल्द ही इस फैसले का ऐलान कर सकता है। इसराइल और तुर्की अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद करने पर तुर्की को कनाडा ने बड़ा झटका दिया है। अजरबैजानी सेना के तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल करने की खबर पर कनाडा ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचने की डील रद्द कर दी है। आर्मेनिया ने तुर्की पर अजरबैजान को ड्रोन देने का आरोप लगाया था। आर्मेनिया को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान पर सऊदी अरब ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपने नागरिकों से तुर्की में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। एर्दोगन ने कहा था कि खाड़ी युद्ध को भड़काने के पीछे सऊदी अरब का हाथ है।
एलएसी पर क्या है चीन की नई हिमाकत, रफेल और सुखोई कैसे चीन को देंगे करारा जवाब और कैसे खत्म होगी चीन की दादागिरी। चीन और पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप नाइन चीन पाक साजिश। एलएसी पर भारत चीन के बीच लंबी लड़ाई की पिक्चर क्लियर है। अब चीन ने तिब्बत की गुआरी में मॉडर्न बैरक बनाकर चुनौती पेश की है। ये मॉडर्न बैरक भीषण ठंड के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इन बैरकों का निर्माण चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा के करीब किया है। लद्दाख में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अब अमेरिका के डियागो गार्सिया बेस का इस्तेमाल कर सकता है। चीन को घेरने के लिए अमेरिकी बेस पर भारत अपने फाइटर जेट राफेल और सुखोई को तैनात कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने का समझौता है। अक्टूबर के अंत में होने वाली एफएटीएफ की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान का ब्लैकलिस्ट होना तय है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का मन बना लिया है। एफएटीएफ का फैसला 23 अक्टूबर तक आ जाएगा। इससे पहले कई बार एफएटीएफ पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देकर फटकार लगा चुका है। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री चीन को घेरने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुली और मुक्त व्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक में आमने सामने होंगे। दोनों देशों के नेता अगले महीने 17 नवंबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। कोरोना काल के चलते ये मुलाकात वर्चुअल होगी। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स के देश के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। एलओसी पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। नौशेरा सेक्टर के बाबाखोरी इलाके में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। इस गोलीबारी में सूबेदार सुखदेव सिंह शहीद हो गए। पाकिस्तानी गोलीबारी का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। नेपाल में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। इस बार हिंदुस्तान के प्रति पीएम ओली ने नरम रुख दिखाया है। नेपाली भाषा की भारत विरोधी भड़काऊ किताब पर रोक लगाई गई है। इस किताब में नेपाल का नया विवादित नक्शा शामिल था। पीएम ओली ने 110 पन्नों की विवादित किताब जारी की थी। चीन के रहमोकरम पर जीने वाले पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ में बासमती चावल के जीआई टैग के विरोध का मन बनाया है। पीएम इमरान खान के साथ बैठक में ये फैसला किया गया। इससे कठपुतली सुल्तान का दो मुहापन एक बार फिर सामने आया है। चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को तुरंत बंद करने और दुनिया के देशों से उइगरों पर ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिका के साथ आने की अपील करता हूँ। और इस बार वायुसेना दिवस की रफाल की दहाड़ इस दिन सुनाई देगी। तो पीएम मोदी का नया मिशन क्या है, दबंगों ने कहां पर व्यापारी को जिंदा जलाया, देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राष्ट्र। 8 अक्टूबर को वायुसेना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर भव्य एयर शो के लिए हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। राफेल समेत कई लड़ाकू विमान के फ्लाई पास्ट में वायुवीर अपना दमखम दिखाएंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 13वें दिन भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर जमे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर बयान देकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी घिर गए। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि किसानों को गुंडा कहकर पुरी ने किसानों का अपमान किया और ये बेहद ही शर्मनाक है। अकाली दल ने बयान जारी कर कहा कि हरदीप पुरी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में कहा कि एआई और इंसान मिलकर ग्रहों के लिए चमत्कार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बने। उन्होंने कहा कि एआई शिक्षा कृषि को सशक्त करने में काफी सहायक हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष अब तक जीएसटी कंपेंसेशन सेस में 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, जिसे राज्यों को भुगतान कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 12 अक्टूबर को फिर बैठक होगी, जिसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति के मामले पर चर्चा होगी। सहारनपुर के नानौता इलाके में 50 साल के व्यापारी को मारपीट कर जिंदा जला दिया गया। व्यापारी की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में एसपी देहात पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय ने स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा है। गाइडलाइन में कहा गया कि स्कूल में बच्चों के बीच शारीरिक दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही जो बच्चे स्कूल आएंगे उन्हें अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रीराम की पैड़ी पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सरयू नदी पर हरि की पैड़ी की तर्ज पर श्रीराम की पैड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले साल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 57 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दी थी। आज सुबह 5:13 पर लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। कहीं से भी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है।
फिर शर्मसार क्यों हुआ हाथरस? यूपी की बत्ती किसने गुल की? और बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से हंगामा क्यों? राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राज्य में। हाथरस में फिर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस की नाकामी सामने आई। लोगों ने शव के साथ कोतवाली सादाबाद के रवैये के खिलाफ रोड जाम किया। शिथिलता बरतने के आरोप में इगलास इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। हाथरस मामले की जांच के लिए आज पांचवी बार 3 सदस्यीय एसआईटी टीम पीड़िता के गांव पहुंची। एसआईटी आज घटना स्थल का जायजा लेगी। वहीं केस की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाथरस कांड में पीड़ित लड़की के परिवार को यूपी सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। सुरक्षा के तहत पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे पीएसी के 12 से 15 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा 3 SHO और 1 DSP रैंक का अधिकारी भी परिवार की सुरक्षा की देखरेख करेंगे ताकि हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की समस्या न हो। दिल्ली से हाथरस जा रहे प्रतिबंधित संगठन PFI और CFI से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मथुरा में टोल प्लाजा मांड से इन्हें भड़काऊ साहित्य समेत पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के मामले पर बिजली कर्मियों से बातचीत बेनतीजा रहने का असर सप्लाई पर पड़ रहा है। वाराणसी, भदोही, चंदौली, गोरखपुर समेत कई जगहों पर बिजली 4-5 घंटे गायब रही। फॉल ठीक करने वाले नदारद हैं। इस बीच प्रदर्शन जारी है। देवरिया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सलेमपुर लार मार्ग पर हुए इस हादसे में बोलेरो ने 2 मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि सड़क पर खड़े पिकअप वैन को टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। गाजियाबाद के मुरादनगर के इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से मलबे से 8 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा दूसरी मंजिल के अचानक भरभरा कर गिर जाने से हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में जिसका टिकट कट गया वो हंगामा काट रहा है। RJD से टिकट न मिलने पर एक महिला फूट फूट कर रोती नजर आई, तो BJP कार्यालय पर भी टिकट कटने वाले नेताओं ने जमकर हंगामा किया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी